नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार, फनकार, अभिनेता और एक बेहतरीन इंसान बलराज साहनी पर लिखी एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। परीक्षित साहनी, जो बलराज साहनी के बेटे हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, मेरे पिता की यादें बलराज साहनी। इस पुस्तक की प्रस्तावना अमिताभ बच्चन ने लिखी है। यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक के बहाने परीक्षित साहनी इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पिता, जो जाने माने अभिनेता ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के नेतृत्वकर्ता थे, वे अपने निधन के बाद भी कितने ज़्यादा लोकप्रिय हैं, कितने ज़्यादा जाने पहचाने हैं और किस तरह से उनके न रहने पर भी उनकी बाद की पीढ़ी के कलाकार उन्हें याद करते हैं, उनके प्रशंसक उनको याद करते हैं। आज भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो परीक्षित साहनी का पैर सिर्फ इसलिए छूते हैं, क्यों? क्योंकि वह बलराज साहनी के बेटे हैं। बलराज साहनी जी खुद एक अच्छे लेखक थे, भीष्म साहनी जी के भाई थे। भीष्म साहनी जाने माने कथाकार, उपन्यासकार, बहुत सारे धारावाहिकों के लेखक, कई कालजयी रचनाओं के लेखक रहे हैं। भीष्म साहनी की तरह ही जिन लोगों ने भी वक्त फिल्म को देखा होगा उनको ये गाना याद होगा, वो मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं तो अभी तक हंसी और मैं जमा। बलराज साहनी साहब का जो किरदार था पर्दे पर वह इतना अद्भुत था कि उसके बारे में कोई भी बात कही जाए वह कम होगी। वे पर्दे पर जितने शानदार थे उतने ही शानदार इंसान, दोस्त, पिता और देशभक्त। उनका जीवन किस रूप में शुरू हुआ, उनका बचपन किस तरह से आगे बढ़ा, उनके बारे में परीक्षित साहनी अपनी दृष्टि से अपने पिता को देखने की कोशिश करते हैं। बलराज साहनी जी के जीवन में मार्क्सवाद चरम पर था। वे एक कट्टर वामपंथी थे। समाज के हर तबके को वह बहुत ही नज़दीक से देखते थे। एक बौद्धिक वर्ग के व्यक्ति के रूप में भी उन्होंने आम आदमी की जिंदगी को न केवल पर्दे पर उतारा बल्कि उससे अपना तारतम्य रखा। परीक्षित साहनी उन दिनों का जिक्र करते हैं और वे इस पुस्तक के शुरुआत में जो आमुख लिखते हैं वह कहते हैं कि बलराज साहनी मार्ग, इस नाम से वह सड़क की याद ताज़ा हो जाती है जो मेरे पिता एक साहसी नायक के सम्मान में जिसको रखा गया था। उनका कहना है कि जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ मुझे वो बंगला दिखता है। और उसके बाद वे बहुत ही सहज ढंग से उस अतीत को याद करते हैं जिस अतीत में वे अपने पिता की अंगुलियाँ थामे उनके बचपन की बातें सुनते। इसमें उनके चाचा भी हैं, उनके ताऊ भी हैं और वह भी समय भी है जब संघर्ष कर रहे थे इनके पिता और परिवार के लोग उनका उस रूप में साथ नहीं दे रहे। यानी परीक्षित साहनी ने अपने पिता के संघर्ष और उनकी शोहरत के चरम को भी देखा, उनके अभाव को भी देखा और उनकी समृद्धि को भी देखा। उनका मानना है, उनका कहना है कि उनके पिताजी नास्तिक थे, धार्मिक प्रथाओं में उनका कोई विश्वास नहीं था, धर्म से किसी बीमारी की तरह परहेज करते थे। यानी जिस तरह से व्यक्ति बीमारी को भगाना चाहता है बलराज साहनी उस तरह से धर्म को मानते थे। वे ऐसा नहीं था कि किसी एक धर्म के विरोधी थे, उनका मानना था कि हर धर्म में इस तरह की बुराई है, धर्म का कोई अर्थ नहीं। इसके अलावा इन्होंने परीक्षित साहनी ने वो बहुत चर्चित घटना भी लिखी है कि उनके पिताजी किस तरह से जाते थे रास्ते में, यात्रा करने का बहुत सारा शौक था और वे यात्रा में जो लोग भी मिल जाते थे उनसे प्रभावित तो होते ही थे, उनको भी अपने प्रभाव में ले लेते थे। उनकी भाषा इतनी सहज थी, उनका रुख इतना सहज था
और बलराज साहनी बचपन में भी एक घटना का जिक्र करते हैं अपनी आत्मकथा, जब वो लिखते हैं तो उसमें भी बताते हैं कि किस तरह से वे लोग पहाड़ की तरफ जाते थे और वहाँ एक ढाबे पर रुकते थे और वहाँ रहने वाली एक लड़की के प्रति उनका आकर्षण हो गया था। परीक्षित साहनी ये भी बताते हैं कि उनके पिताजी का पिता रूप में वह किस तरह के थे, दोस्त के रूप में उनके लोगों का भी उन्होंने संस्मरण लिखा है। कश्मीर किस तरह से उनके पिताजी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता रहा है उसकी भी उन्होंने यादें लिखी हैं, और उनका यह मानना है कि वे निश्चित रूप से जिन लोगों के साथ थे, जो उनके दोस्त थे, वे असाधारण लोग थे। अपने पिताजी की मार्फत परीक्षित साहनी उन असाधारण लोगों से भी मिलते हैं और वह यह बताने में कोई गुरेज नहीं करते कि उनके पिताजी का पूरा जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। इस पुस्तक की एक और भी खासियत है कि इसमें बहुत सारी ऐसी फोटोएं हैं, तस्वीरें संजोई गई हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, अनोखी हैं और जिनका अन्यत्र उपलब्ध होना संभव नहीं है। जो लोग फिल्मी दुनिया की इस नायाब शख्सियत के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके रोमांचक जीवन के बारे में, उनके अनुशासन के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, वह क्या सोचते थे अभिनय को लेकर, वह क्या सोचते थे जीवन को लेकर, वह क्या सोचते थे लोगों की मदद को लेकर, वह क्या सोचते थे फिल्मी दुनिया को लेकर, वह क्या सोचते थे मार्क्सवाद को लेकर, वह क्या सोचते थे अपने समय को लेकर, आज़ादी को लेकर, लाहौर को लेकर, अपनी जन्मभूमि को लेकर, उन सब के बारे में जिनको समझना हो निर्देशन के बारे में, वे लोग इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक की मैंने पहले ही बताया प्रस्तावना अमिताभ बच्चन ने लिखी है, संजय खान और सतीश कौशिक जैसे लोगों ने इसके ब्लर्ब पर लिखा है। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी, हिंदी में इसका अनुवाद यामिनी राम पल्लीवार ने किया है, मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इसको प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का मूल्य 450 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 240। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तक की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हम विविध तरह की पुस्तकों के साथ यहाँ पर इसलिए उपस्थित होते हैं ताकि आपको आपके पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों की 2 प्रतियों का हम इंतज़ार करते हैं। आप अपनी पुस्तकें, अपनी प्रकाशित पुस्तकें 2 प्रतियों में हमारे पास भेज सकते हैं। अगर हमारी संपादकीय टीम को यह लगता है कि यह पुस्तक चर्चा के योग्य है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल करें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक, खुश रहें और मस्त रहें।